फिट रहने के लिए दैनिक 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए। क्या है मैजिक नंबर का राज? अपने एज के मुताबिक हमें कितना चलना चाहिए? वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको ये सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता आप सबको मेरे चैनल लेट्स बिगिन लाइफ आफ्टर 50 में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इन दिनों किसी ऐसे व्यक्ति से मिले बिना सड़कों पर चलना मुश्किल है जो अपनी कलाई को बार बार देख रहा हो कि क्या वो उस मैजिक नंबर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किया कि नहीं। आपने अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट को सलाह देते हुए सुना होगा कि पूरे दिन में आपको 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए, पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। वॉकिंग आपके सेहत के लिए एक संजीवनी है, लेकिन 10,000 स्टेप्स पर डे वॉकिंग में कोई मैजिक तो नहीं है। तो ये मैजिक नंबर आया कहाँ से? दरअसल 10,000 स्टेप्स चलने की धारणा के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1964 टोक्यो ओलंपिक्स के शुरुआत से कुछ समय पहले एक जापानीज कंपनी यामासा टोके केकी को लिमिटेड ने फर्स्ट कमर्शियल पेडोमीटर बनाया था, जिसका नाम था मैनपो केई। मैन मतलब 10,000, पो मतलब स्टेप्स, के मतलब सिस्टम्स। हर आदमी को कम से 10,000 स्टेप्स पैदल चलने की जरूरत है, ये उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था। बस इसी तरह ये धारणा बन गई कि लोगों को सेहतमंद रहने के लिए 10,000 स्टेप्स डेली चलना चाहिए, जो कि आज तक बरकरार है। अच्छा आप ही बताइए, एक ही साइज क्या सबको फिट होता है? तो सबके लिए 10,000 स्टेप्स क्यों, 8,000 या 12,000 स्टेप्स क्यों नहीं? अगर आप रेगुलरली 4,000 से 6,000 स्टेप्स भी डेली चलते हो तो भी फिट एंड हेल्दी रहोगे। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना टारगेट फिक्स करो अपने नीड के मुताबिक, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तुम फिट रहोगे। रिसर्च ये भी बताता है कि आप हफ्ते में 150 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज करो, मतलब डेली 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करो, तो फिट रहोगे और हेल्दी भी रहोगे। अब चलिए मैं बताती हूँ कौन से उम्र में हमें कितना चलना चाहिए। 5 से 11 साल तक लड़कों को मिनिमम 6,000 स्टेप्स, एक्टिव हो तो 13,000 स्टेप्स और हाईली एक्टिव हो तो 15,500 स्टेप्स चलना चाहिए। 5 से 11 साल तक लड़कियों को मिनिमम 6,000 स्टेप्स, एक्टिव हो तो 11,000 स्टेप्स और हाईली एक्टिव हो तो 13,500 स्टेप्स चलना चाहिए। 12 से 19 साल तक टीनेजर को मिनिमम 6,000 स्टेप्स, एक्टिव हो तो 10,000 स्टेप्स और हाईली एक्टिव हो तो 12,500 स्टेप्स चलना चाहिए। 20 साल से 40 साल तक लोगों को मिनिमम 4,000 स्टेप्स, एक्टिव हो तो 10,000 स्टेप्स और हाईली एक्टिव हो तो 12,000 स्टेप्स चलना चाहिए। 41 से 60 साल तक लोगों को मिनिमम 3,000 स्टेप्स, एक्टिव हो तो 7,000 स्टेप्स और हाईली एक्टिव हो तो 11,000 स्टेप्स चलना चाहिए। 60 साल से ऊपर लोगों को मिनिमम 3,000 स्टेप्स, एक्टिव हो तो 7,000 स्टेप्स और हाईली एक्टिव हो तो 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए। बुजुर्गों को तब तक चलना चाहिए जब तक वो थक ना जाए। ये टारगेट आप अपने स्टैमिना और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक पूरा कर सकते हो, मगर शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर के सलाह जरूर लो। तो अगर आप 10,000 स्टेप्स की गोल पूरा नहीं कर पाते हो तो गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं। आप वॉकिंग को एक बार अपनी आदत बना लो, फिर देखोगी सेहत अपने आप ही ठीक रहेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर देना, ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगी। हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।